इनके बारे में जो तुम धारणा अपने मन में बना के चल रही थी, कितनी गलत थी वो। ना तो मुझे ये शपथ लेने का कोई हक है और ना ही डॉक्टर खिलाने का। और अब मैं पापा को भी धोखा दे रही हूँ। मैं पापा को सब सब सच बता दूंगी। देखो ये आदमी चढ़ रहा है हमारे प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, कोई पोस्टर लगा रहा है, पोस्टर निकाल ही नहीं रहा है। आप निश्चिंत रहिए, हम निकलवा देंगे। नीचे उतरिए आप। मैम हम है ना, हम है। थैंक यू क्यों बेटे। अभियान वालों को हमारे घर का खंभा मिला था कि पोस्टर लगाने के लिए, इसी जगह आप कचरे के डब्बे में। पुलिस के हवाले करना है तो अपने पिताजी का, इन तीन बैंकों का लोन लेकर रखा है, 5 सालों में मिनिमम अमाउंट तक नहीं चुका है, दुकान गिरवी, घर गिरवी, अब बचा ही क्या इनके पास गिरवी रखने को? ये लो देख लो। बद्दू सोच है ही लोन हीरा बेटा सोच है। अरे तेरी पढ़ाई के लिए, तुझे डॉक्टर बनाने के लिए एक छोटा सा लोन ले लिया मैंने। अभी जब तू डॉक्टर बन जाएंगी ने तो इनके मुंह पे पूरा पैसा मार देंगे। हो ए भाई, मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है, तुम्हारा एक एक रुपया हम लोग चुका देंगे। हो और तुम लोग ये जो मिनिमम अमाउंट की जो बांसुरी बजा रहे हो ने, तो ये लो 4 तोले की सोने की चेन है, ये भी रखो, बाद में हिसाब करेंगे। हो चलो चलो अबे चलो 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 जाओ। मिनिमम बैलेंस पापा मेरा बेटा। पापा आपने मेरी पढ़ाई के लिए सब कुछ गिरवी रख दिया। अरे सब कुछ क्या होता है, तुझे डॉक्टर बनाने के लिए तेरे पापा को भी गिरवी रहना पड़े ने, तो वल्लभ देसाई उसके लिए भी तैयार है, समझी? पापा आपको चोट लगी, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अरे गलती भी तो मेरी है ने, उधार ले लिया ने, चुकाता नहीं हूँ। लेकिन थोड़ी बदतमीजी कर गए वो लोग है ना, हर आदमी एक जैसा नहीं होता है ना बेटा। अभी वो अखिलेश को ही देख लो, कितना शरीफ लड़का है, पैसा मांगने आया लेकिन मेरे साथ में हाथापाई नहीं किया। हो उल्टा उसके बॉस ने ही उसको डांटा मेरी वजह से। बोल। ए मेरे बुस्कोट का बटन ढीला हो गया है, तो मैं शर्ट बदल के आता हूँ। हाँ से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं अखिलेश की गुनहगार हूँ। हाँ हीरा, सारे पोस्टर लगा दिए मैंने,
स्टेशन के बाहर, बसों पर, दीवारों के बाहर, पार्क के बाहर, हर जगह सारे पोस्टर लगा चुका हूँ। भाविक अभी के अभी सारे पोस्टर्स निकाल दे, अभी। लेकिन क्यों? मैं कह रही हूँ ना, इसीलिए। अभी मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती, प्लीज बस सारे पोस्टर्स निकाल दे। ए भाई, प्लान में चेंज है, चल पोस्टर निकाल। बस अब बहुत हो गया। मैं अखिलेश को और अंधेरे में नहीं रख सकती, मुझे उसे सब सच बताना ही होगा। ये पोस्टर में तो हमारी फोटो है। एनएसवी नसबंदी। मैं बताने वाली थी अखिलेश को। आपने काम ही इतना बढ़िया किया है, एक फोटो तो बनता है। वहां अस्पताल में तो हम सोचे कि हमारी फोटो इसलिए ली गई क्योंकि हमारा खून लिया गया है। ये पोस्टर तो कह रहा कि हम नसबंदी कर गया है। अखिलेश, मेरी बात सुनो। वो आज से ना तुम्हें लंबट लंगूर बुलाना बंद। ये बोल तो हमारे कान में रही है, पर ये दर्द कहीं और कहां हो रहा है? हम खून दिया तुमने, कहां है निशान? कुछ भी तो नहीं है। तुम ये मास्क पहन के लंबी लंबी सांसें लो, तुम्हें नींद आने लग जाएगी। ओके, हमका बेसुध करके का की तुम हमारे साथ? अखिलेश प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। अरे छोड़ो हाथ हमरा। अखिलेश देखो मेरी बात सुनो, देखो देखो कल जो कुछ भी हुआ वो मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती? अरे नसबंदी कर दी हो तुम हमरी। अरे जिंदगी बर्बाद कर दी है, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? जवाब दो हमका। वो एक्चुअली अरे गलती से जान ले लेगा हम तुम्हारी। जवाब दो हमका। अखिलेश मुझे लगा कि तुम, मुझे नहीं पता था कि तुम ब्लड डोनेट करने आए हो, मुझे लगा तुम। अरे हमका इतने बड़े भक्त जौहर है क्या कि शादी के दो दिन पहले खुदाई की नसबंदी करवाने निकलेंगे? सॉरी अखिलेश, मेरे जानबूझ। अरे जानबूझ के की हो तुम, हम सब जानते हैं। इतनी तनी हानि पहुंचाने से तो अच्छा है कि एक ही बार में इनका काम तमाम कर दे। अरे जानते हम तुमका। अखिलेश नहीं, मुझे लगा कि तुम शादी शुदा हो, तुम्हारे बहुत सारे बच्चे। अरे हमका लगा, तुमका लगा, उका लगा, यहाँ जिंदगी की लग गई हमरी। सॉरी अखिलेश, सब मेरी गलती है, रियली सॉरी, रियली सॉरी। अरे का फायदा हुआ तुम्हारी इतनी पढ़ाई लिखाई का? अरे ज्ञान तो बटोर ली, पर एक सीधे साधे मानुष की जिंदगी बर्बाद करके रख दिए हो तुम। अरे हमरी हमरी अम्मा का सपना चक्का चूर कर दिया तुमने। अरे हम जान गए तुम भले कितने भी बड़ी डॉक्टर नहीं हो, पर अपने आप को भगवान समझने वाली स्वार्थी महिला हो तुम, बेवकूफ। इन लोगों की गलत धारणा बनाकर उनका सच मान लेती हो, पर एक बात समझ लो, तुम भगवान नहीं। ये हमारी जो धारणा बनाई थी ना, गलत थी। इसको दिखाई खाल क्या करे, अब क्या करे? अखिलेश, अखिलेश रुको।
इतनी चोट लग गई है? हमरे ही घाव तो भर जाएंगे मैडम, हमरे दिल पर जो घाव दिए उका का होगा? जिंदगी बर्बाद कर दी हो तुम। रियली सॉरी अखिलेश, मैं नहीं बता सकती मैं अपने किए पर कितनी शर्मिंदा हूं। अरे होना भी चाहिए। अरे हमारी अम्मा की खुशी से बढ़कर हमरे लिए कछु नहीं। अरे जीवन भर हमरे लिए पिसती आई है वो, अरे हमसे हमसे कछु नहीं मांगा। एक एक ही आशा थी वो कि हम ब्याह करके उनके खातिर दुल्हन ले आए, ताकि बुढ़ापे में वो हमरे लल्ले के साथ हंसते खेलते खुशी खुशी अपना जीवन बिता है। हम ब्याह करने जा रहे थे तो हमारी अम्मा की खुशी के खातिर। अरे बहुत दुख देखा है उस स्त्री ने, बहुत दुख। ये तुम्हारी हरकत के कारण वो की निराशा का कारण बन गए हैं। मैं समझती हूँ अखिलेश। अरे वाह, बहुत जल्द समझ आ गई तुम खाब। अरे का समझती है? वो लड़की चुटकी जी जो भीतर हमरे नाम की मेहंदी लगा रही है, वो के सपनों को समझ सकती है? हाँ, अरे हमारी अम्मा जो ये समझेगी कि हमरे साथ ही हमरा वन समाप्त हुई गवा। अरे वो की पीड़ा महसूस कर पाएंगी आप? कछु नहीं समझती आप, कछु नहीं। अखिलेश, अखिलेश मन छोटा मत करो, देखो हम इस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ तो तोड़ निकाल लेंगे। अरे मेहरबानी करके हमरे खातिर कछु सोचने की आवश्यकता नहीं, अब जो करेंगे ना हम खुद ही करेंगे। और सबसे पहले हम चुटकी जी को जाकर सब बता देंगे। अखिलेश रुको, अखिलेश रुको, तुम्हें बजरंगबली की कसम। अखिलेश देखो, तुम बजरंगबली के भक्त हो ना, तो उन पर विश्वास रखो, वो ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। अखिलेश देखो, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और ये गलती सुधारने का मुझे मुझे कुछ समय दे दो प्लीज, मुझे थोड़ा सा समय दे दो। मैंने मैंने कहीं पढ़ा है कि ये सर्जरी रिवर्स की जा सकती है। काम फिर से ठीक हो सकते हैं? हाँ। कैसे? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पता लगा लूंगी। अखिलेश प्लीज प्लीज, मुझे 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 थोड़ा सा वक्त दे दो, मुझे मुझे बस दो घंटे दे दो, मुझे बस दो घंटे की मोहलत दो। आई प्रॉमिस मैं कुछ भी करके ये सोल्यूशन लेकर आ जाऊंगी। देखो मैं 6 बजे तक तुम्हारे पास कुछ भी सोल्यूशन लेकर आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। और तब तक इस बारे में किसी को नहीं बताना प्लीज। नसबंदी का रिवर्सल। शनिवार राती ससुर का नाती। चाची, हमरी होने वाली भाभी तो एकदम बीएस निकली।
बीएस? अरे बिटनी स्पीयर, बीएस, बिटनी स्पीयर। काहे उवाए रहे हो, हाँ? चाची आप पे चा है। चा माने? चा माने चाओ। हाँ? मतलब गाओ। चा गाओ। हल्दी उतार के आते हैं अम्मा। तुम्हारे गुनेगार है, न जाने ही बजरंग बली हमारी जिंदगी में इतनी कठिन परीक्षाएं काहे भर देते हैं। अरे का बोलेंगे हम चुटकी सी, हम तो उनकी भी जिंदगी बर्बाद करने निकले थे। हम ही सबको झूठी आशा में नहीं बांध सकते, हम किसी को धोखा नहीं देख सकते, किसी को नहीं। अखिलेश रुको, मुझे बस 2 घंटे की मोहलत दो। आई प्रॉमिस मैं 6 बजे तक तुम्हारे पास कुछ भी सोल्यूशन लेकर आ जाऊंगी। आई प्रॉमिस। राजी सच में ही का कोई उपाय लेकर आएंगे? रिवर्स किया जा सकते हैं, मैं ये रिवर्स ऑपरेशन के लिए यूरोलॉजिस्ट को मेल कर देती हूँ और फिर अखिलेश को मिलकर मैं खुद सब कुछ समझा दूंगी। गलती अगर मुझसे हुई है तो सल्यूशन भी मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। ओह गॉड, 5:20 हो गए, मैंने अखिलेश को 6 बजे तक का टाइम दिया था। जल्दी टाइप करी ना।
हेलो भाविक, तूने सारे के सारे पोस्टर्स निकाल दिए ना? एक भी पोस्टर किसी के हाथ में लगना चाहिए प्लीज। हाँ, मैंने सारे पोस्टर्स निकाल दिए, बस दो पोस्टर्स रह गए हैं। उसमें का एक पोस्टर मुझे मिल गया है। ओह सही सही। सुन, वो दूसरा वाला पोस्टर कुछ भी करके किसी भी हाल में ढूंढ निकाल प्लीज। देखो, एक पोस्टर किसी की जिंदगी बिगाड़ सकता है भाविक। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। चल भाई। ये हीरा। पापा, तुम्हें यहाँ सो करो छो? अरे मुझे अभी हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि डॉक्टर पटेल तुझे एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट देने वाले हैं। ये हीरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस हो। बस मैं इसलिए यहाँ आ गया कि मेरी आंखों से मैं तुझे सर्टिफिकेट लेता हुआ देख सकूं। लेकिन पापा, मैं अभी नहीं आ सकती, ओके? ए हीरा, अरे सर्टिफिकेट से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? पापा प्लीज समझने की कोशिश करो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मेरी तरफ से आप सर्टिफिकेट रिसीव कर लो ना। नहीं, मेहनत तूने की है ना, तो सर्टिफिकेट भी तुझे ही अपने हाथों से लेना चाहिए। मैं तो बस पब्लिक में बैठ कर तालियां बजाऊंगा। चल 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 चल। हाँ एक मिनट, मैं बस एक कॉल कर लेती हूँ। आप जिस नंबर से कॉल कर रहे हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है, कृपया कुछ समय बाद कॉल करें। मुझे किसी भी हाल में अखिलेश से कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। 2 घंटे तो होने आए, ये हमें नहीं लगता कि हानिकारक मैम को कौन उपाय मिल पाया है। इस स्थिति में अम्मा और चुक्की जी को सच बताने के अलावा हमारे पास और कौन चारा नहीं। निराश होकर वो कोई गलत कदम ना उठा ले।